दोस्तों, मैं पंकज संसार ग्रीन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बागवानी से जुड़ी जानकारी नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको फाउंटेन यानी फव्वारे से जुड़ी जानकारी बताऊंगा। आप सब जानते हैं वास्तु के हिसाब से फव्वारे को घर में शुभ माना जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर में या गार्डन में फव्वारे कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने फाउंटेन्स को पार्क में या बड़े होटल में देखा होगा, इसे लगाने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, लेकिन आप इसे बड़ी कम खर्च में इसे अपने घर में या अपने गार्डन में लगा सकते हैं और फाउंटेन का लुत्फ उठा सकते हैं। अब जानते हैं इनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आपको लेनी होगी एक प्लास्टिक का कंटेनर, जो मजबूत भी है और ड्यूरेबल भी है। इसमें मैंने एक कंटेनर लिया है जो ब्लू कलर का है और इसकी साइज 20 इंच की है। मैंने ब्लू कलर इसलिए लिया है क्योंकि ये पानी में खिलता है। दूसरी चीज लेनी है पंप। ये वाटर समर्सिबल पंप है, ये हाई कैपेसिटी वाटर समर्सिबल पंप है। इसे स्पेशली फव्वारे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में डुबाना है, उसके बाद ही आप इसे चलाएं। तीसरी चीज़ है नोजल्स। संसार ग्रीन की स्पेशली घर में इस्तेमाल होने वाले फाउंटेन्स के नोजल्स, इसमें तीन तरह के नोजल्स हैं। पहला बेलजेट नोजल, दूसरा सिंगल स्टेज नोजल, तीसरा डबल स्टेज नोजल। और ये नोजल्स के सेट, ये है बेलजेट नोजल्स, इसमें पानी का इफेक्ट बेल की तरह आएगा। इस तरह आप इसे खोल सकते हैं और इसकी नोजल की सफाई कर सकते हैं। ये सिंगल थ्री स्टेज के नोजल है, इसमें तीन तरह के होल्स हैं। ये तीन लेवल के होल्स हैं जिसमें स्पेशली अलग अलग कट है, जिसके कारण पानी अलग अलग प्रेशर में निकल सके। ये है तीसरा नोजल, इसके ऊपरी नोजल में तीन लेयर है और नीचे वाले नोजल में एक लेयर। इस सेट में तीन तरह के नोजल है, इसमें आप अलग अलग समय में अलग अलग नोजल के इफेक्ट का मजा ले सकेंगे। चौथी चीज है एरन डायो। इसे आप सिर्फ एक बूंद पानी में डालें, इसके इस्तेमाल से आपके पानी पूरे ब्लू हो जाएंगे और एरन डाई के इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसे इंपोर्ट किया जाता है, इसके इस्तेमाल से पानी हाइजेनिक रहता है और पानी में किसी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसे कैसे पानी में इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर्फ एक बूंद डालनी है। आप देख सकते हैं पानी का रंग खुद में ही चेंज होने लग रहा है और ये बिल्कुल ब्लू हो जा रहा है। अब मैं इसे पानी में डाल दे रहा हूं। आप देख सकते हैं पूरे पानी का कलर चेंज हो गया है। और पांचवी चीज है ये स्ट्रिप लाइट। इसे आप अपने फाउंटेन में लगा सकते हैं। इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिलेगा जिसमें आप अलग अलग कंट्रोल के लाइट को जला सकते हैं, अपने अनुसार इसे जला सकते हैं। और ये लाइट की लंबाई 15 फीट है। आप इसे अपने फाउंटेन में चाहे अंदर भी लगा सकते हैं या बाहर भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आप स्ट्रिप लाइट कैसे लगा सकते हैं। स्ट्रिप लाइट को आप चाहे टेप की मदद से भी लगा सकते हैं या ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं।
ये नोजल लगा दे रहा हूँ। इसे लगाना बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए अब मैं इसे चला के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी पानी की इफेक्ट को, ये बिल्कुल बेल की तरह लग रहा है। अब मैं इसके लाइट के इफेक्ट को आपको दिखाता हूँ। चाहे तो आप इसमें फूल भी डाल सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल अच्छे लगते हैं। आपकी फाउंटेन बंद भी रहे तो ये देखने में बिल्कुल अच्छे लगेगा। चाहते हैं ये फाउंटेन अपने घर में लगाना तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी फिटिंग चार्ज नहीं लगेगी और ये सारा सेट आपको मिलेगा। इसी तरह मजेदार और शानदार जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।